रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, जबरदस्त होंगे। अगेन आपके सामने एक छोटे से गिग के तरीके कार के ऊपर के गिग किस तरह से बनाएंगे, किस काम की गिग, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी कि फोटो कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, HEIC फॉर्मेट, एप्पल का जो फॉर्मेट होता है, आईफोन का फॉर्मेट, उसको हमने कन्वर्ट किस तरह से करना ताकि हम कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकें और उसको मोबाइल में भी, एंड्रॉयड फ़ोन में भी यूज़ कर सकें। तो उस फॉर्मेट को चेंज करने का तरीकाकार मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और अब मैं गिग बनाने का तरीकाकार आपको दिखाने लगा हूँ कि उसके लिए आपकी किस तरह से प्रॉपर तरीके से जो कैटेगरीज हैं, किस कैटेगरी में जाके किस तरह से कौन से टैग्स आप लगा के जो गिग क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए। तो सिंपल सा तरीकाकार है, मैं आपको दिखाऊंगा और अभी आपको इंशाल्लाह समझ जाएगी। लेकिन गिग कॉपी पेस्ट सेम नहीं करना, जो मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ें नहीं लिखनी, थोड़ी सी वर्डिंग खुद की भी यूज़ करनी है। जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि सेम गिग आपने किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी होती, आपने उसको अपनी वर्डिंग में लिखना होता है, ठीक है? तो अगर चैनल पे नया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो ताकि आने वाली वीडियोस भी मिलती रहा करें, और लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करो यार अगर कोई कंटेंट मेरा अच्छा लग जाता है। तो चलें ज़रा स्क्रीन पे चलते हैं और आपको गिग क्रिएट करने के तरीकेकार बताते हैं कि HEIC फॉर्मेट को हमने कन्वर्ट किस तरह से करना है, उसकी गिग किस तरह बनानी है। कन्वर्ट करने का तरीका तो लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो गिग बनाने का तरीकेकार के फाइवर पर हमने वो सर्विस किस तरह से प्रोवाइड करनी है, ताकि लिखना क्या क्या है ना, डिस्क्रिप्शन वगैरह किस तरह से होनी चाहिए ताकि क्लाइंट जो है वो हमें ऑर्डर दे इस काम के रिलेटेड। चलें ज़रा स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि गिग किस तरह से क्रिएट होगी। हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ आपको गिग क्रिएट करने का मैं तरीका बता देता हूँ। हम गिग्स पे ऑप्शन पे चले जाएंगे, क्रिएट अ न्यू गिग, ठीक है, और गिग के ऑप्शन पे आ गए। अब हमने यहाँ क्या लिखना है, गिग किस रिलेटेड थी, गिग किस रिलेटेड थी, HEIC फॉर्मेट को, JPEG या PNG, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हम इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं आई विल कन्वर्ट HEIC फॉर्मेट फॉर मेटी फॉर्मेट टू JPEG या JPG और PNG, ठीक है, या आप MOV मूवी जो उसका होता है फॉर्मेट जो है आईफोन का, उसको MP4 के लिए भी आप साथ ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें। टाइटल आपने अपनी मर्ज़ी से ही लिखना है, ठीक है, जिस तरह से भी जो प्रेफर हो, जो सही हो, बिल्कुल सेम ना लिखना यार मेरे वाला, ठीक है। बाकी वीडियोस में मैंने ये चीज़ बताई कि सेम कॉपी पेस्ट ना किया करो, ठीक है। अब कैटेगरी हमने कौन सी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी है जी हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की, ठीक है, क्योंकि ग्राफिक एंड डिज़ाइन वाला काम ही आ जाता है किस्म का कन्वर्ट करना जो है। और यहाँ से हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर्स, गेम आर्ट, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी एटसेट्रा एटसेट्रा, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इसको हम लेके जाएंगे जो है फोटोशॉप एडिटिंग के अंदर। फोटोशॉप एडिटिंग किधर गया, ये देखें, ठीक है, फोटोशॉप एडिटिंग में ही आप इसको बनाएंगे ताकि इजी रहना, ठीक है। एडिटिंग टाइप क्या होगा, बैकग्राउंड रिमूवल, रिसाइजिंग, रिस्टोरेशन, फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स, रिटचिंग एंड इनहेंसमेंट, इसमें भी आया जा सकता है, ठीक है, आप इसमें भी डाल सकते हैं। या एक और आप कर सकते हैं कि आप अदर्स में आके फॉर्म कन्वर्ट फॉर्मेट भी लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, कन्वर्ट फॉर्मेट ये भी आप लिख सकते हैं, या आप रिटचिंग एंड इन्हेंसमेंट दोनों में डाल सकते हैं। तो मैं ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट ये कह रहा है सेलेक्ट द फाइल फॉर्मेट्स यू प्रोवाइड इन योर बेसिक गिग और एक्स्ट्राज, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मेट दे रहे हैं, JPEG दे रहे हैं, PNG दे रहे हैं, ये दोनों दे रहे हैं, PDF नहीं दे रहे, PSD नहीं दे रहे, RAW फाइल नहीं दे रहे, TIFF नहीं दे रहे, ठीक है। अब सर्च टैग्स HEIC टू JPEG, ठीक है, फोटो कन्वर्ट, इस तरह के जो भी मिलते जुलते होंगे आप कीवर्ड रिसर्च करके वही लगाएंगे, ठीक है ना, और MOV टू MP4, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन, ओहो, GHRAPHIC, ग्राफिक इसी तरह होगा ना, कि मैं गलत लिख गया हूँ, सॉरी, GRA ग्राफिक्स डिज़ाइन, ठीक है, स्पेल गलत कर गया था मैं, और HEIC टू PNG भी कर देते हैं। ये टैग्स भी ऐड करने होते हैं, फ़ायदा होता है 5 टैग्स ऐड होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्रिएट करते वक्त, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आएगी जी, प्राइसिंग की। प्राइसिंग आपने अपनी मर्ज़ी से देनी है, ठीक है। अब मैं बेसिक पैकेज का नाम दे रहा हूँ 10 HEIC फोटोज़, ठीक है, और
स्टैंडर्ड का क्या दे रहा हूँ, 10 MOV वीडियोस, ठीक है। मैं वीडियोस का अलहदा कर रहा हूँ और फोटोज़ का अलहदा कर रहा हूँ, और थर्ड वाले में 100 फोटोज़ का कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट HEIC फोटोज़ टू JPEG, ठीक है, JPEG और PNG फॉर्मेट, सॉरी हाँ फॉर्मेट, ठीक है। और यही उठा के क्योंकि यहाँ फोटोज़ को कर रहे हैं तो इधर डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कन्वर्ट MOV फाइल MOV वीडियोज़ टू MP4 फॉर्मेट, ठीक है। एक चीज़ और कर देना कि 100 MB मैक्स फाइल, क्योंकि मैंने आपको दूसरी वीडियो के अंदर बताया भी था कि मैक्सिमम 100 MB की जो फाइल है वीडियो की वो कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। डिलीवरी टाइम इसका 1 डे, इसका भी 1 डे दे दो, इसका 2 दिन दे दो, ठीक है। हो तो एक ही दिन में जाना है लेकिन सेम मानता नहीं है ये भी ना, ठीक है। फ़ोटोज़ कितनी हमने यहाँ पे करनी है, 10, ठीक है। और यहाँ वीडियोज़ कितनी करनी है, 10, यहाँ पे कितनी है, 100 है, तो इसको हम 100 पे लेके चले जाएंगे, ठीक हो गया। और नीचे प्राइस ये हम $5 में करके दे रहे हैं, 10 फोटोज़ ये 20 में करके दे रहे हैं क्योंकि वीडियोज़ हैं 10 वीडियोज़, ठीक है। और इसका कितना हम कर देंगे, 50 में कर देते हैं, ठीक है। ये 50 कर दिया 100 फ़ोटोज़ का, उसके हिसाब से $5 में 10 हैं तो $50 में 100 हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी कोई चीज़ करना चाह रहे हैं वो कर दें, यहाँ पे कोई चीज़ रिवीजन, एडिशनल इमेजेस, सोर्स फाइल, एटसेट्रा, अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, ठीक है। सेम एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट आ जाती है डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन जो है ये यार जो मैं लिखूंगा वो ना कॉपी करना, बल्कि मैं लिख नहीं रहा, मैंने वैसे पहले लिख के रखी ताकि वीडियो का टाइम जो है वो थोड़ा से थोड़ा हो ताकि आप लोगों को भी जल्दी से समझ आ जाए, लेकिन आइडिया एक आपको बता रहा हूँ। हाय आई एम अजीम, आई विल कन्वर्ट फोटोज़ फ्राम HEIC टू JPEG और PNG फॉर्मेट, कैप्चर्ड विद iPhone विदाउट लूजिंग क्वालिटी टू योर परफेक्ट फॉर्मेट, विल बी वेब एंड डिवाइस फ्रेंडली सो दैट यू कैन व्यू देम ऑन एनी डिवाइस, PC, एंड्रॉयड, etc। आई ऑल्सो कन्वर्ट HEVC टू MP4 इन हाई रेजोल्यूशन। HEVC फॉर्मेट होता है या MOV फॉर्मेट होता है ना आईफोन का। इफ़ यू हैव मोर फोटोज़ यू कैन आस्क फॉर अ कस्टम ऑफर, आई विल ऑल्सो ऑफर अ डिस्काउंट ऑन बिग ऑर्डर्स, ठीक है। यानी कि जो कस्टम ऑफर होती है, कस्टम ऑर्डर होते हैं। माई सर्विसज कन्वर्ट HEIC टू JPG, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं आपने यहाँ पर वो लिखते नहीं है। एक्स्ट्राज में रिसाइज इमेजेस भी, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, आई विल रिस्पॉन्ड सुपर फास्ट वैन ऑनलाइन, थैंक्स। ये हमने दे दी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन देने के बाद सिंपल हम इसको 7 कंटिन्यू कर देंगे। देन हमारे पास आ जाती है रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब बाकियों के तो हम NA दे देते थे ना, तो यहाँ हम रिक्वायरमेंट क्या देंगे, रिक्वायरमेंट यहाँ हमने दे देनी है HEIC फोटोज और MOV वीडियो फाइल्स, ठीक है। जो चीज़ भी वो करवाना चाह रहे होंगे जिस ऑर्डर के हिसाब से, तो उनको ये चीज़ मिल जाएगी। ये कर दिया हमने ऐड। ऐड करने के बाद 7 कंटिन्यू, जैसे हमेशा करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ गया गैलरी। गैलरी में हम पिक्चर जो है वो ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं, करनी है हमने। पिक्चर ऐड करेंगे तो बात बनेगी ना, अदरवाइज़ तो नहीं बनेगी। तो ये मैंने पिक्चर फेंक दी यहाँ पे। पिक्चर वैसे मैं आपको दिखा दूँगा मैंने किस तरह से बनाई है, कैनवा पर बनाई है, आप लोग ईजिली बना सकते हैं। कन्वर्ट या आईफोन बना दिए यहाँ पे, HEIC टू PNG, JPG, HEVC टू MPG 4 एटसेट्रा, और सादा सी बना के जल्दी से पिक्चर, तो आप इसको अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, अपलोड होगी 7 कंटिन्यू। ओ प्लीज रीड एंड एग्री टू आवर टर्म, सॉरी, ये आई डिक्लेयर दैट दीज मटेरियल्स वर क्रिएटेड बाय माई सेल्फ और बाय माई टीम एंड डू नॉट इन्वेंट और ऑन एनी थर्ड पार्टी राइट्स। I understand that the illegal use of digital assets is against Fiverr's term of service and may result in blocking my account, ठीक है ना। ये भाई मैंने ही बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई, सो मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी बनाना किसी और की चीज़ नहीं, कॉपीराइट वाला कॉन्टेंट नहीं डालते होते कहीं पर भी, ये हमेशा ही ख्याल रखना आप लोगों ने, ठीक है। Almost there, let's publish your gig and get some buyers rolling in। सिंपल सी चीज़ आ गई, अब आपने यहाँ पर पब्लिश गिग पे जो क्लिक करना है तो आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी, ठीक है।
सिंपल सा क्राइटेरिया है इसको क्रिएट करने का गिग को, और किसी भी ये कोई स्किल नहीं है। आपने अगर मेरी वीडियो देखी है या मैं आप इसकी वीडियो इसके रिलेटेड देख लेना कि अच्छे सी टू हम JPG किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बिल्कुल सिंपल सा तरीकेकार है, जस्ट इन वन क्लिक आप जो है कन्वर्ट कर लेंगे और हाई रेजोल्यूशन में आपका जो है वो फाइल्स निकल आएंगी। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई गिग बनाने के बारे में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।